नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कंटेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा, नवागत कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मीडिया प्रतिनिधियों को दी जानकारी। खंडवा के नवागत कलेक्टर अनय द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है कि संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कोरोना संक्रमित मरीज के घर के आसपास बनाए गए कंटेनमेंट क्षेत्र में लोगों के आवागमन पर सख्ती से रोक लगाई जाए। संक्रमण की रोकथाम के लिए यह सख्ती अत्यावश्यक हो गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए अत्यावश्यक सामग्री, दूध, राशन, दवाइयां आवश्यकतानुसार संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। कलेक्टर द्विवेदी ने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के उद्देश्य से लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम गठित की गई है। मीडिया से चर्चा के दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर द्विवेदी ने इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता इस समय कोरोना संक्रमण की रोकथाम ही है। उन्होंने बताया कि कोविड केयर सेंटर व क्वारंटाइन सेंटर्स में भोजन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि जिन मरीजों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे जाएंगे, उन्हें होम क्वारंटाइन के स्थान पर छात्रावासों व होटल्स में अलग से क्वारंटाइन सेंटर संचालित कर रिपोर्ट आने तक रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम के साथ साथ इसके लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट, सर्वे दलों के साथ साथ सपोर्ट टीम तथा स्टैटिक पैरामीटर टीम भी तैनात रहेगी। कुल 75 लॉकडाउन इन्फोर्समेंट टीम गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में 4 कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये टीम 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेगी। ये 3 शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक तथा तीसरी शिफ्ट रात्रि 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच रहेगी। इन दलों का प्रभारी पटवारी को बनाया गया है। इन दलों में एक वर्दीधारी कर्मचारी पुलिस या वन विभाग का शामिल होगा, साथ ही नगर निगम व शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल किए जाएंगे। सभी दल आज शाम से ही अपने अपने ड्यूटी क्षेत्र में तैनात हो जाएंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के परिवारों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि नागरिकों तक जरूरी संदेश पहुँचाया जा सके तथा नागरिकगण अपनी सेवाएँ इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बता सकें। कंटेनमेंट क्षेत्र के परिवारों को आवश्यक सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों के फ़ोन नंबर की जानकारी के पर्चे वितरित किए जाएंगे। कलेक्टर द्विवेदी ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के सभी कर्मचारी पीपीई किट पहनकर ड्यूटी करेंगे। कलेक्टर द्विवेदी ने बताया कि सपोर्ट टीम कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को ज़रूरत की सामग्री उपलब्ध कराने तथा उनकी समस्याओं के निराकरण में मदद करने के उद्देश्य से तैनात की जा रही है। इन दलों में जिला पंचायत के उपयंत्री, उचित मूल्य दुकानों के संचालक तथा नगर निगम के कर्मचारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्र यदि क्षेत्रफल के मान से बड़े क्षेत्र में है तो उसका पुनर्निर्धारण करते हुए क्षेत्र को छोटा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सिंह ने कहा कि लॉकडाउन उल्लंघन की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कोविड-19 को लेके हमने अभी 10 घटक लिए हैं। हमारी 5 प्रकार की टीमें तैनात की गई हैं। लॉकडाउन एनफोर्समेंट टीम, स्टेटिक परिमीटर की जो टीम है, सर्वे टीम जो काम कर ही रही है, मोबाइल मेडिकल यूनिट और सपोर्ट टीम, ये 5 टीमों में हमारे लगभग प्रत्येक सबको मिला लें तो हमारे करीब करीब 400 से 500 शासकीय अमला जो है स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर हमारी किस उसमें लगेगा, पूरी की पूरी इसमें प्रक्रिया में। और इस संबंध में मेन जो ये है कि हमने ये निर्णय लिए हैं कंटेनमेंट जोन का मैनेजमेंट जो है वो हम सही कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन को हम और छोटा करेंगे और कंटेनमेंट जोन को हम उसमें किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए उसके घर तक समस्त आवश्यक सुविधाएँ जो हैं वो हम मुहैया करेंगे। सर, कुछ लोग अभी भी कंटेनमेंट जोन में नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो टीम बनाई गई, जैसा आपने दूसरा इसलिए हमने टीम बनाई गई है क्योंकि हमको भी ये देखने में आया है और सबने इस चीज़ को स्वीकारा है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर जो लोगों का आवागमन और जो लोगों का एक दूसरे के घर पर जाना जो है उसी के कारण जो है वो चेन जो ब्रेक करना है उसमें हमको और स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है और आगे आने वाले समय में जनता के सहयोग से समस्त सुविधाओं को देते हुए हम उस कंटेनमेंट जोन के अंदर का जो भी प्रबंधन है उसको और सुदृढ़ करने के लिए आज हमारी सारी टीम जो है उनकी ड्यूटी लग गई है। आज उनका प्रशिक्षण हो गया है। आज दिन से वो फील्ड में उतर जाएंगी और मुझे पूरी आशा है कि 1 या 2 दिन आप दे दीजिए, 1 या 2 दिन में हम समस्त जो
प्रक्रिया है उसको हम सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।